घर से निकलते वक्त फेस मास्क का उपयोग करना ना भूलें। अपने आंख, नाक, कान, मुंह, इनको अपने हाथों से ना छुएं। सोशल डिस्टेंसिंग को बराबर मेंटेन करना बेहद जरूरी है और अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। तो क्या हाल है, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहाँ बात करने वाले वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में। और ये कोई ऐसा वैसा ऐप नहीं यार, इसमें आप बिना वाटर मार्क के 4K 60 FPS तक वीडियो एक्सपोर्ट करा सकते हो और एड्स बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक आध एड्स आपको देखने को मिलेंगी और मतलब अच्छा ऐप है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना उनको जिनको एक एडिटिंग ऐप चाहिए था। और हाँ, ये ऐप पोर्ट्रेट मोड में एडिटिंग करता है। पोर्ट्रेट मोड मतलब जिसमें हम व्हाट्सएप चलाते हैं, तो जो लोग काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर पे चलाते हैं जो कि लैंडस्केप मोड है, तो उनको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस ऐप में एडिटिंग करने में। लेकिन ऐप काफ़ी सिंपल है, यूज़ करने में बहुत ज़्यादा सिंपल है और फ्री में आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत सारे एफेक्ट्स टूल्स हैं, बहुत सारा। तो ऐप ओपन करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, प्लस का आइकन पे देख सकते हो बीच में है ना, तो सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। और ये मैंने कुछ हाइड करके रखा है, कुछ रीज़न है यार, मतलब समझ रहे हो ना। इसमें आपको एक वीडियो चूज़ करना है जो मेरे को एडिट करना है, देख सकते हो। ये वीडियो मैं चूज़ कर सकता हूँ, ये टाइमलाइन पे आ चुका है, अभी देख सकते हो सारा वीडियो टाइमलाइन पे आ चुका है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना यार, इसके लास्ट में ना एक छोटा सा वीडियो बन जाता है जिसमें लिखा रहता है डायरेक्टेड बाय आपका नाम, तो उस पार्ट को ज़रूर से ज़रूर डिलीट कर लेना, ठीक है, वरना आपको साथ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। लास्ट में छोटा सा पार्ट आता है 5-6 सेकंड का, तो उसको डिलीट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हो सामने सामने आपको देखने को मिलता है टैप टू ऐड म्यूज़िक, टैप टू ऐड सबटाइटल एंड स्टिकर PIP मोड। तो आप देख सकते हो म्यूज़िक में जा गया मैं, म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, इफेक्ट ऐड कर सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट इसके अंदर मिलते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड मतलब वॉइस ओवर करना, आपको वॉइस ओवर करना वो कर सकते हो आप इसमें। अब आते हैं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड नेम, व्यू टाइटल, लाइन मास्क, बबल। मेरे को पर्सनली ये वाला बहुत पसंद है, ठीक है, लाइन वाला। तो आप देख सकते हो, हम कुछ लिख कर दिखाता हूँ आपको, लाइक कर देना, सच में कर देना है। मेरे टाइपिंग थोड़ी सी बकवास है मेरी, थोड़ी सी मतलब बहुत ही बकवास है, ठीक है। तो देख सकते हो ये लिख दिया है और सिंपली देख सकते हो, ठीक है, कैसे आ गया, मतलब एक फ्रेम में आ गया, मतलब देख सकते हो, है ना। अब उसमें और भी बहुत सारे इसमें एडिटिंग आपको मिल जाती है, लास्ट में कुछ आपको लोकेशन का मिल जाता है, टाइम आपको ऐड करना, टाइम ऐड कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यार इसके स्टिकर PIP मोड की, ये चीज़ बहुत अच्छी है यार, पिक्चर इन पिक्चर मोड होना चाहिए जिसको इसका है। आप इसमें वीडियो फोटो वीडियो के ऊपर ही ऐड कर सकते हो, ओवरले के ऊपर जैसे वीडियो ऐड करना है, ये मैंने हाइड करके रखा है, कुछ रीजन्स है, समझो बात को, ठीक है। जैसे तो मैंने फ़ोटो इसके ऊपर ऐड कर दिया, अब इस फोटो में आपको भाई मतलब एक मिनट स्टिकर मोड की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसे मैंने डॉल सर्च मारा था, डॉल, ठीक है, तो आपको इसमें डॉल के स्टिकर्स मिल जाएंगे, एक मिनट, डॉल जैसे डॉल के स्टिकर्स मिल जाएंगे, ताते विंचू नहीं है, डरो मत यार, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने इसमें एक पिक्चर ऐड कर दिया है, फोटो ऐड कर दिया है वीडियो के ऊपर। आप देख सकते हो नीचे क्रोमा, ओपेसिटी, मार्क्स, बैकवर्ड, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब क्रोमा, इसमें क्रोमा मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, क्रोमा इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसमें है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो है वीडियो का टाइमलाइन, वीडियो देख सकते हो, मेन वीडियो देख सकते हो, नीचे इसके सारे इफेक्ट देख रहे हैं आपको, फिल्टर, स्पीड, ट्रिम, स्प्लिट, एफेक्ट्स एंड फ्रीज वगैरह, बहुत सारी चीज़ दे रखे हैं, इन्हीं चीज़ों से आपकी एडिटिंग अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिल्टर, और भाई यकीन मानो बहुत सारे फिल्टर थे, मतलब देख सकते हो सीजन, फिल्म, पोलरॉइड, मूड, ल्यून, फॉग, बहुत सारे फिल्टर है, आप पागल हो जाओगे, इतने सारे फिल्टर इसमें फ्री में, कोई वो जैसे बाकी ऐप में होता है ना कि इसका वो ले लो मेंबरशिप वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो एडजस्टमेंट, देखो कैसा शेडो वगैरह सब कुछ देखे रखा हुआ है, सब कुछ, स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसी भी स्पीड स्लो करना है, फास्ट करना है, नहीं करना कुछ करना है, देखो तो कैसे पूरा स्पीड में चलने लग गया है पूरा वीडियो, ठीक है। और बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे आपको ट्रिम, स्प्लिट, ठीक है, तो इसे आपको स्प्लिट करना है वीडियो,
ये मैंने एक पार्ट स्प्लिट किया, नीचे स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है ना, उसको मैंने को स्प्लिट कर दिया, फिर इसको डिलीट कर दिया। इसका ऑप्शन नीचे ये है ना, ट्रिम। ट्रिम मैं यूज़ नहीं करता, ट्रिम मुझे इतना पसंद नहीं है, मतलब दिख रहा है थोड़ा ट्रिम करने में ना, वीडियो ट्रिम करने में, क्या समझ रहे हो। ठीक है, अब आपको देखो जैसे तो एफएक्स, भाई एफएक्स बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब ओपी एफएक्स देख सकते हो, ये वाला ऊपर टाइमलाइन आपको दे के रखा हुआ है, जैसे आपको अगर डा टाइम तक करना है, अब देख सकते हो जो ऊपर है ना टाइमलाइन दे के रखा है वीडियो में, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। देख सकते हो कितने सारे इफेक्ट है, कितने सारे, जूम शेक इन जूम आउट, बहुत सारे, मतलब ओपी एडिटिंग। ठीक है, तो और इसमें आपको आगे देखने को मिलता है, वॉल्यूम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देख सकते हो वॉल्यूम, इसमें बैकग्राउंड वॉल्यूम, अपना वीडियो वॉल्यूम, बैकग्राउंड वॉल्यूम तब काम करेगा जब अपनी म्यूजिक ऐड करके रखा हो। और अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, देख सकते हो बैकग्राउंड, मतलब सिंपली वीडियो को छोटा करो और बैकग्राउंड ऐड कर दो, मतलब भाई क्या और क्या चाहिए ना। और एक क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप, जैसे तो मुझे स्पेसिफिक क्रॉप करना है, इसको क्रॉप कर लिया मैंने। ठीक है, आपको मान लो क्रॉप कर लिया सिंपली। ठीक है, और अब बात करते हैं इसमें मिरर फ्लिप, ये सब तो आपको बेसिक फीचर्स है, आपको दे सकते हो। अब बात करते हैं इसमें यार फ्रीज ऑप्शन की। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ फ्रीज की, देख सकते हो मैंने फ्रीज किया, इस टाइम को मैंने इंक्रीज कर दिया अपने हैंड से और ये चीज़ फ्रीज हो गई, देख सकते हो ये चीज़ फ्रीज हो गई, ठीक फ्रीज हो गई। ठीक है, और देख सकते हो नेक्स्ट जूम आउट जूम इन, ये सब भी कर सकते हो। ये चीज़ें यार वीडियो एडिटिंग अच्छा दिखाने बहुत काम आती है, मतलब आप कहीं पर अगर ज़्यादा अच्छी एडिटिंग करोगे, किसी के लिए काम करोगे, तो ये चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, और अब देख सकते हो उसमें और भी चीज़ें हैं। और अभी बात करते हैं यार स्प्लिट, मैंने बता दिया आपको स्प्लिट, मतलब आप देख सकते हो मैंने स्प्लिट कर दिया एक वीडियो का पार्ट। ठीक है, और ऊपर आप एरो देख सकते हो एरो, उसमें आप उसको अंडू या फिर जो आपने अंडू स्प्लिट कर अंडू एडिट कर सकते हो, मतलब आपने फ़ोटो ऐड किया तो उसमें सिंपली एरो दबा दो, फोटो हट जाएगा। और भी चीज़ें यार, ये कुछ ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता इसके अंदर। अब बात करते हैं रेशो की, आप देख सकते हो ऊपर टिकटॉक का बैन हो गया, आगे बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बढ़, आप देख सकते हो उसमें 3:2 अलग अलग रेशो के दे रखे हैं, राउंड दे रखे हैं, एंड मतलब ओपी लेवल। ठीक है, अभी छोटा सा ग्लिप्स देना है क्या क्या हमने बताया आपको वीडियो में। तो मान लो आपको कोई टाइमलाइन, आपको आपको किसी स्पेसिफिक टाइम में कुछ एडिट करना है, तो मैंने पहले स्प्लिट किया, फिर मेरे को मान लो यहाँ तक, मान लो मेरे को इसको यहाँ तक कुछ ऐड करना है इस छोटे से पार्ट में, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मुझे क्रॉप करना है इतना सा वीडियो पार्ट, मैंने क्रॉप किया, आप देख सकते हो प्ले कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्रॉप हो गया इतना हिस्सा। पहले स्प्लिट करना है, फिर आपको जो उसमें एडिटिंग करनी करो। ठीक है, मान लो मुझे इसका वॉल्यूम कम करना है, इसका मैंने वॉल्यूम कम कर दिया इस छोटे से पार्ट का। ठीक है, मान लो मुझे इस छोटे से पार्ट में बैकग्राउंड ऐड करना है, तो सिंपली वही बैकग्राउंड ऐड कर दिया मैंने, अब जैसे वीडियो प्ले हो रहा है एंड बैकग्राउंड ऐड हो गया इस छोटे से पार्ट में। तो सबसे पहले आपको स्प्लिट करना है, उसके बाद आपको वीडियो उसमें एडिट करना है। तो आज की वीडियो में इतना यार, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।